यहाँ पे पूरी भीड़ है, ये सारे के सारे लोग जो यहाँ हैं न्याय मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दलित युवा को जान से मारा गया, धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है, जिसने करवाया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग गुस्सा हैं। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं, जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। फोन पीछे करो। उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई था, नीचे करो यार, बाल काटता है। 6-7 बार युवा आए उसके पास और उन्होंने उससे बाल कटवाए और पैसे नहीं दिए। आखिरी बार पैसे नहीं दिए तो लड़के ने कहा कि देखिए भाई फोन पीछे कर, आज आठ मिले मोबाइल मोबाइल पैसे दिए और उसके बाद उसकी हत्या, उसके भाई की हत्या की। तो क्लियर कट अन्याय हुआ है परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ अन्याय हुआ है और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये चॉइस नहीं है, इनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। फांसी दो, ये कानून के पर है, ये मेरा काम नहीं है। पीटीआई थोड़ा नीचे मगर कानून लागू करवाना, दबाव डालना, वो मेरा काम। मैं यहाँ पीछे नहीं हटूंगा, दलित परिवार है, इसीलिए ये हो रहा है।